हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आपका भी टीसीएस एंटिटी थ्रू सिलेक्शन हुआ है और आपने टीसीएस में सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए हुए हो, तो गाइस उसके बाद से अगर आपके पास कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी, तो गाइस फाइनली जितने भी रिमेनिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए फाइनल कॉल आना स्टार्ट हो चुका है। आपको टीसीएस डॉक्यूमेंट शेयरिंग सिलेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर गाइस ये आपके पास मेल आ रहा है, तो आपके लिए सबसे बिगेस्ट अपडेट ये है कि गाइस अगर आपके पास आ गया, तो उसके बाद आपको ऑफर लेटर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। और गाइस मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको टीसीएस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपडेट आ रहे हैं। तो गाइस मैं आपको मेल के थ्रू वन बाय वन करके एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए आ रहा है। और गाइस आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कमेंट भी किया था कि सर मेरा तो टीसीएस एंटिटी थ्रू डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो गया है, मैं शॉर्टलिस्टेड भी हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक उसके बाद कोई अपडेट नहीं आ रहा है, मेरे को ऑफर लेटर कब तक आ जाएगा। तो गाइस ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है। तो गाइस अगर आपको डिटेल्स पता नहीं है, आपके पास अभी भी डाउट है, तो ये वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस आप विदाउट इसकी वीडियो को एंड तक देख लें, ताकि जो भी मैं बताऊं वो तो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो उससे पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने टीसीएस एनकेटीयू का इंटरव्यू क्लियर किया था, उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर दिया था, लेकिन गाइस उसके बाद से उनके मन में डाउट है कि सर मेरे को ऑफर लेटर कब तक आएगा। तो गाइस उससे रिलेटेड आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है, जो कि गाइस अगर आपके पास टीसीएस डॉक्यूमेंट शेयरिंग इंपोर्टेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी मेल देखने को मिल रहे हैं, तो गाइस ये आपका लास्ट कॉल है। अगर आपने इस डॉक्यूमेंट्स को सब कुछ सबमिट कर दिया टाइमली, उसके बाद गाइस आपके पास भी ऑफर लेटर जनरेट होने का स्टेटस शो करने लगेगा। आप जाके टीसीएस पोर्टल है वहां पे चेक कर सकते हो। ये गाइस सबसे बड़ी अपडेट है। तो अगर आपके पास भी इस टाइप के अपडेट आ रहे हैं, तो समझ जाना गाइस आपके अब ऑफर लेटर जनरेट जल्द से जल्द होने वाले हैं। बस आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर लेना है। आप लोग मेल में भी गाइस देख सकते हो लिखा हुआ, डियर कैंडिडेट, एज पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन सिंगल पीडीएफ और सिंगल जिप होल्डर बाई टूडे 9/30/16। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 16 जुलाई को सुबह तक एक सिंगल जिप में या सिंगल पीडीएफ फोल्डर में इनको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। कौन से डॉक्यूमेंट्स है गाइज आप लोग देख सकते हो नीचे। जब भी गाइज आप डॉक्यूमेंट्स को शेयर करो, तो नेमिंग कन्वेंशन गाइज इन्होंने बताया होगा, रेफरेंस आईडी आपको लिखना है, फिर कैंडिडेट नेम लिखना है, तब ये फोल्डर का नाम होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए गाइज आप लोग यहाँ से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में देख सकते हो। इन्होंने पहला जो डॉक्यूमेंट्स मांगा हुआ है, 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट मांगी हुई है, ऑल सेमेस्टर का होना चाहिए, कंसोलिडेटेड होना चाहिए आपको, और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये गाइज आपको अपलोड कर देना है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट अगर है आपके पास, तो आप लोग अपलोड कर सकते हो, यानी कि पीडीएफ फोल्डर जो बनाओगे उसमें इसको भी रखना है। ऑफर लेटर और लास्ट 3 मंथ पे स्लिप भी उसको अपलोड करना होगा, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, अगर आप किसी दूसरे कंपनी में जॉब करते हो। इसके अलावा गाइज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, अगर एप्लीकेबल यानी कि किसी दूसरे कंपनी से हो, अगर इस कंपनी में ज्वाइन करना हो तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। जो पांचवा डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगा हुआ है, रीजन फॉर बैकलॉग और गैप इन एजुकेशन इफ एप्लीकेबल। अगर आपके एजुकेशन में बैकलॉग है या गैप है, तो आपको रीजन बताना होगा। लास्ट जो 6th पॉइंट है, आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। 7th में पैन कार्ड भी आपको अपलोड करना है। ये गाइज आपको लिंक मिला होगा, देख सकते हो, एडिशनली यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द बिलो सर्वे फॉर्म। तो गाइज ये सारी चीजें जो फोल्डर हैं, फोल्डर में सब कुछ अपलोड करके, मतलब कि फोल्डर में करके जिप में या पीडीएफ में आपको उस लिंक पे जाके अपलोड कर देना है। ये गाइज सबसे बड़ी अपडेट है। अगर आप अपलोड करते हो, उसके 10 से 15 दिन या 10 दिन के अंदर आपको ऑफर लेटर जनरेट का मेल आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि गाइज आप लोग जाके टीसीएस के एप्लीकेशन स्टेटस पे चेक कर सकते हो, वहां पे ऑफर लेटर जनरेटेड का आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये गाइज सबसे बड़ी अपडेट है। जो भी कैंडिडेट निंजा प्रोफाइल के लिए, प्राइमर के लिए हैं या डिजिटल के लिए हैं, और उनको अभी तक कोई भी अपडेट नहीं थी, उनके लिए ये अपडेट है। तो चलिए गाइज आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।